साथियों, फिर बीजेपी के लोगों ने एक ऐसी चीज लाया जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दरार पैदा हो। कल से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से तमाम अधिकारी, तमाम ऑफिसर्स, तमाम सरकार में सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को एक हुक्म जारी हो गया है कि आप हेलो की जगह पर वंदे मातरम बोलो। जनाब, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं, क्या इससे आपको कहीं देश के खिलाफ नफरत नजर आती है? जनाब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सिवाय अल्लाह के अगर सही मुसलमान है, अल्लाह को मानने वाला मुसलमान है, इस्लाम पर चलने वाला है, तो वो दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकता, ना जमीन के आगे, ना आसमान के आगे, ना दुनिया में सबसे बड़ा कोई इंसान होगा, चाहे कितना बड़ा तुर्रम हो जाए, उसके सामने भी सर नहीं झुका सकता। वो सर झुकाएगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे झुकाएगा। और मैं समझता हूं ये कोई देशद्रोही नहीं है, ये देश प्रेम है, इससे कहीं से देशद्रोह नजर नहीं आता है। मैं पूछना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जो बहुत मजबूत हैं, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके एक नई सरकार बनाया है, जो बाला साहब ठाकरे के फोटो के नीचे नजर आते हैं और बाला साहब ठाकरे के एक बहुत बड़े सिपाही की तरह से काम कर रहे हैं। हमेशा बाला साहब ने, मैं लाइफ में एक दो बार उनसे मिला था बाला साहब से, तो जय महाराष्ट्र ही सुना था उनसे टेलीफोन पर, जय महाराष्ट्र। इनके जितने सिपाही थे, आप भी शिंदे साहब जय महाराष्ट्र बोलते थे। आज के आप बीजेपी और आरएसएस के दबाव में आप मुखिया हो महाराष्ट्र के, और इस महाराष्ट्र में एक जीआर इशू हो जो जय महाराष्ट्र को छोड़ करके वंदे मातरम बोलना हो, मैं समझता हूं आप भी लगता है इस दबाव में आ गए हो। महाराष्ट्र की जनता, शिंदे साहब आप मेरे दोस्त हैं, आपसे जरूर सवाल करेगी कि जय महाराष्ट्र बोलना क्या पाप है, क्या देशद्रोह है क्या? दोस्तों, ये लोग सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करने के लिए रोजाना एक ऐसी चीज लाएंगे। आप कहेंगे देखो मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलता है, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के बीच में एक दरार पैदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाइयों, इस देश के रहने वालों, हम देश से प्रेम करते हैं, लेकिन हम अल्लाह की बनाई हुई सारी जमीनें हैं, आसमान है, इंसान है, सब अल्लाह ने बनाया है, हम उसी के आगे सर झुकाते हैं। हम कभी भी वंदे मातरम नहीं बोल सकते, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान जरूर बोलेंगे।